आंगनबाड़ी केंद्र सरकार की ओर से बच्चों के विकास के लिए खोले गए हैं। यहाँ पर नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सरकार की ओर से पूरा राशन दिया जाता है ताकि जच्चा बच्चा कमजोरी का शिकार ना हो और दोनों स्वस्थ रहे। लेकिन इन आंगनबाड़ी केंद्रों की हकीकत आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। रोहतक के वार्ड नंबर 5 के डेरी मोहल्ला के एक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में कीड़े निकले, जिसके बाद हंगामा मच गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को बेहद खराब क्वालिटी का खाना दिया जाता है। आंगनबाड़ी से लेकर आए थे जी, पड़ोसन तो मंगवाया था, तो मैं इन कर रखी, मैं दवाई दुआने चलेगी बच्चा ने, तो वो करड़ा हो गया, यानू बोली इसमें दूध गेर लिया, आ काड़ काड़ का बच्चे खा लेंगे। इन्हें दूध गेरा गर्म करा जी, वो कीड़े ऊपर आए सारे, या फिर मेरा घर लेकर गई अकेले, मका वही तो कौन खावे बच्चे, खाना खा लिया इन्हें तो, मैंने खिचड़ी बनाई थी, नू बोली ऐसा खाना दलिया दूँ होगा कदे भी ना खावे, मिला मका ऐसा के दलिया है, नू बोली देख ले। फिर हमने सारे ने देखा जी, भाई साहब ने देखा, फिर नू बोले जी आंटी तो कीड़े थे। हाँ कीड़े थे जी। यहाँ तो एक दो बच्चा है जो मान लो जिस दिन फोटो खींच के भेजने पड़ते नहीं ना, वो दिन सारे स्कूल में बच्चे जाते ना, उन्हें भी इकट्ठे करके फोटो खींच के भेज देती है ये कि भाई हमने ग्रुप में भेजना ना, कोई बच्चा स्कूल में नहीं आता। और वही बात है, अब तो 10 दिन में खोलती है और पानी भी ये टंकी है ना, ये काली वाली, इसमें से पानी भर के बनाते हैं, पानी इतना गंदा इसमें, इसमें धोती नहीं है टंकी ने, फिर भी इसमें से पानी लेके खाना इसी में बनाती है और खाना बना के लोगों के बांटती है, रुक्का मार के बांटती है। और जो बच्चे स्कूल में जाते ना, उनका तो कोई मैटर है नहीं, जो 5 साल के बच्चे ना उनसे तो देते नहीं। वही स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि आंगनबाड़ी संचालिका और सहायिका सरकारी राशन बांटने की जगह अपने घर ले जाती है। कुछ नहीं है, आप कमरा खुलवा के देख लो, कुछ नहीं है यहाँ, गंदगी इतनी है, राशन खुद खावे या केक रहे, बाकी जो राशन मिला है वो बेकार ही थोड़े क्वालिटी का, पशु भी नहीं खाएंगे उसको ऐसा राशन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाख दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति दयनीय है। सरकार ने जच्चा बच्चा को कुपोषण का शिकार होने से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए थे, लेकिन इन केंद्रों की हकीकत क्या है ये सबके सामने है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।